नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं एंजल टेक एनालिसिस। तो बात करेंगे आज बैंक निफ्टी के बारे में और बैंक निफ्टी में जो स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उनके बारे में, उसकी एनालिसिस करेंगे, देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे कि किस तरह से बैंक निफ्टी में आज ट्रेड हुआ, उन सब की चर्चा करेंगे। तो उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए आइए शुरू करते हैं बैंक निफ्टी। तो यहां पर आप जैसा देख सकते हैं कि आज बैंक निफ्टी ने जो कैंडल बनाई है वो एक डोजी टाइप की कैंडल बनी हुई है, और अगर हम यहां पर ध्यान दें तो कल भी जो कैंडल बनी थी वो भी समझ लीजिए एक हैमर टाइप की थी, बट वो प्रॉपर हैमर कैंडल नहीं थी। अब हम यहां से अगर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो सबसे पहले मैं इसको कलर चेंज कर लेता हूं। कलर चेंज करने के अब यहां से देखिए, अब हम यहां से एक ट्रेंड लाइन ये ड्रॉ कर रहे हैं। अब इस ट्रेंड लाइन के आसपास ही बैंक निफ्टी जो है इसी एरिया में जो है काम कर रहा है। यहां पर आप ध्यान से देखिए, अब मैं यहां जो आपको चीज जो दिखाने जा रहा हूं उसको जरा ध्यान से देखिएगा, बड़े काम की चीज है। अब ये देखिए, जैसा कि मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की और आपको दिखाई दिया कि बैंक निफ्टी जो है कंटिन्यू एक अप ट्रेंड में जा रहा है। अभी मैं नीचे से भी एक ट्रेंड लाइन यहां पर ड्रॉ करूंगा और आपको ये दिखाऊंगा कि ये देखिए, ये जो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है ये देखिए हमने नीचे से शुरुआत करते हुए ऊपर की तरफ खत्म की है, ठीक है। और दूसरा अगर आपको मैं यहां पर दिखाऊं, नीचे ध्यान दीजिएगा आरएसआई में, तो यहां पर अगर आप आरएसआई देख रहे होंगे तो आरएसआई में यहां पर एक डाइवर्जेंस बन रहा है। डाइवर्जेंस देखिए, इसको टेक्निकल एनालिसिस की भाषा में इसको हम जो है नेगेटिव डाइवर्जेंस बोलते हैं। ये अक्सर तब बनते हैं जब कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक या फिर इंडेक्स वो ऊपर की दिशा में जा रहा हो और यहां पर आरएसआई जो है नीचे की दिशा में जा रहा हो, तो इसको हम नेगेटिव डाइवर्जेंस बोलते हैं। अब यहां पर आप देखिए, तो यहां पर कंटिन्यू हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बनाते हुए कंटिन्यू प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। बट यहां पर अगर हम प्राइस आरएसआई की वैल्यू देखेंगे तो यहां से 80 थी, 80 के बाद 79 हुई, 79 से 71 हुई और फाइनली देखिए 63 तक गई। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जा रहा है और आरएसआई नीचे की तरफ मूव कर रहा है। अब यहां पर बायर्स को थोड़ा अलर्ट होने की जरूरत है, बिकॉज यहां से कभी भी एकदम से स्पाइक मूव आ सकती है नीचे की तरफ। देखिए बैंक निफ्टी ने आज ही हमको एक देखिए साइन दे दिया है, हमको एक हिंट दे दिया है। जो देखिए, जब भी कभी बड़ी बड़ी कैंडलें बनती हैं, चाहे वो कोई इंडेक्स हो, चाहे वो पर्टिकुलर कोई स्टॉक हो, तो वहां पर वो एक साइन होता है कि बैंक आने वाले टाइम में वो पर्टिकुलर स्टॉक या वो इंडेक्स जो है नीचे की तरफ मूव कर सकता है। अब देखिए, हम जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है तब तक हम यहां पर बुलिश हैं, अदरवाइज जैसे हम ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करेंगे हमको यहां पर एक जबरदस्त जो है डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। और यहां पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं नियर अबाउट 29,000 और 28,500 तक हम यहां पर आ सकते हैं। तो चलिए बात करेंगे आज बैंक निफ्टी में किस तरह से आज मूव हुआ। वहां पर देखिए, आज जो बैंक निफ्टी में जो मूव हुई है वो तीन तरफ की मूव हुई है, मतलब हमको वहां पर चार ट्रेड जो है बहुत क्लियर कट मिले, ठीक है। तो वहां पर स्टार्टिंग में तो एक हमको जो ट्रेड मिला, चलिए मैं आप लोगों को 5 मिनट के चार्ट में लेकर चलता हूं और वहां पर समझाने की कोशिश करूंगा। पहले मैं ये ट्रेंड लाइन डिलीट कर देता हूं, फिर आपको जो है देखिए अच्छे से समझाऊंगा। अब सॉरी, मैं यहां पर आप लोगों को 15 मिनट का चार्ट लगाकर मैं आप लोगों को एक टेक्निकल चीज और दिखा देता हूं। देखिए मैं यहां पर जो है ये जो ड्रॉ करने जा रहा हूं, यहां पर ये देखिए, आपको याद होगा कल को मैंने आपको ये लेवल बताया था और मैंने बताया था कि ये लेवल जो है हमारा ये सेल साइड का लेवल है। इस लेवल के पास जैसे ही बैंक निफ्टी पहुंचे हमको सेल करना है। अब मैं आप लोगों को 5 मिनट के चार्ट में लेके चलता हूं और देखिए मैं आपको, देखिए आज मैं आप लोगों को जो भी हमने जो ट्रेड लिए थे उसके मैं सारे लॉजिक बता देता हूं कि हमने जो भी ट्रेड लिए थे उसके पीछे के लॉजिक क्या थे। इससे क्या है कि आप लोगों को चीजें अच्छे से समझ में आएंगी और आप आगे से कोई ट्रेड करना होगा तो इस लॉजिक को समझकर आप एक बेहतरीन ट्रेड जो है एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो फाइनली यहां पर देखिए, कल मैंने आपको यूट्यूब की वीडियो मैंने क्लियर कट बताया था कि हम जैसे ही कल का हाई क्रॉस करेंगे, मीन्स हाई जो था वो 30,010 का, मैंने आपको बताया था, यूट्यूब वीडियो जाके देखिएगा कि 30,010 का लेवल हम जैसे ही क्रॉस करेंगे हम यहां पर बाइंग का ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। और ये लेवल जो ऊपर का जो लेवल है 30,800 का लेवल, यहां पर मैंने बताया था आपको कि ये लेवल जो है सेल का लेवल है। यहां पर जैसे ही हमको बैंक निफ्टी यहां पर दिखाई देगा हम यहां पर जो है सेल के लिए जाएंगे। तो फाइनली यहां पर देखिए क्या हुआ, यहां पर देखिए 30,610 का लेवल जैसे क्रॉस हुआ वैसे यहां पर हमने जो है बाइंग का ट्रेड ले लिया था। अब यहां पर हमने जो ट्रेड लिया था वो ट्रेड लिया था शायद 30,500 की हमने कॉल ली थी और इस कॉल में हमने जो है इस ट्रेड में हमने 100+ पॉइंट हमने यहां पर प्रॉफिट बुक किया, ठीक है। अब ये तो था पहला ट्रेड। अब बात करेंगे हम दूसरे ट्रेड का, दूसरे ट्रेड के पीछे क्या लॉजिक था। तो देखिए दूसरे ट्रेड के पीछे लॉजिक ये था कि ऊपर देखिए ये जो प्रीवियस हाई जो लगा हुआ है आज इसी हाई को जाके इसने टच किया, मीन्स यहां पर अगर ध्यान से देखेंगे तो यहां पर डबल टॉप पैटर्न यहां पर बन गया।
ये इसको हम देखिए टेक्निकल एनालिसिस की लैंग्वेज में इसको डबल टॉप पैटर्न कहते हैं। तो फाइनली जब डबल टॉप पैटर्न यहां पर बन गया और उसके बाद यहां पर एक हमको कंफर्मेशन भी मिल गई, और इसके साथ साथ देखिए हम कंफर्मेशन के लिए हम तीन चार चीजों को हम यूज करते हैं। एक तो मैं अपनी पर्सनल टेक्निक यूज करता हूं, दूसरा जो है देखिए हम यहां पर डाटा एनालिसिस हमने जो किया, डाटा एनालिसिस यहां पर नेगेटिव दिखा रहा था, मीन्स बैंक निफ्टी के लिए डाटा एनालिसिस वीक दिख रहा था। तो यहां पर हमने देखिए, मैं आपको लेवल ड्रॉ करके दिखाऊंगा। तो ये लेवल ये देखिए, अब ये जो सपोर्ट का काम कर रहा था, ये नीचे जाने के बाद देखिए मैं बड़ा करके दिखाता हूं आपको। देखिए ये एक सपोर्ट था, सपोर्ट से जैसे ही ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद देखिए यहां पर इसने जाके इसको जो है रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद यहां पर हमने जो है एंट्री बनाई थी। तो ये हमारे दूसरे ट्रेड के पीछे यही लॉजिक था दूसरे ट्रेड का। अब मैं आपको नेक्स्ट ट्रेड बताता हूं तीसरे ट्रेड का। चलिए उससे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए आज हमारे जो है दो स्टॉप लॉस भी हिट हुए हैं। आज 7 दिनों के बाद आफ्टर 7 डेज आज जाके हमारा जो है पहला स्टॉप लॉस हिट हुआ। मींस इसके पहले हम जो भी अगर दिन में 6 ट्रेड करते थे तो 6 के 6 प्रॉफिटेबल जाते थे, 8 करते थे तो 8 के 8 प्रॉफिटेबल जाते थे। मींस 100% कंटिन्यू हमारा चल रहा था, बट आज जो है मतलब स्टॉप लॉस हुआ, पहला स्टॉप लॉस आज 7 दिनों के बाद हुआ है। देखिए यहाँ पर कोई परफेक्ट नहीं होता है, यहाँ पर कोई गॉड नहीं होता है। देखिए स्टॉप लॉस तो सभी के होते हैं, हमारे भी स्टॉप लॉस होते हैं, ठीक है, बट हमारे जो स्टॉप लॉस होते हैं वो उसका जो है रिस्क बहुत छोटा सा रहता है और हमारे रिवार्ड अक्सर बड़े होते हैं। सो यहाँ पर हमने छोटा सा पहले ट्रेड में जो SL हुआ वो 9 पॉइंट का हमारा सिर्फ रिस्क था, और जो दूसरा ट्रेड था उसमें नियर अबाउट 20 to 25 पॉइंट्स का रिस्क था। वो देखिए उसकी बात छोड़िए, उसको तो हमने जो है पहले ट्रेड में ही कवर कर लिया, हमारा 100 पॉइंट का प्रॉफिट तो पहले ट्रेड में आ गया। सो उसकी कोई बात नहीं है, बट मैं यहां पर देखिए अपनी चीज बता रहा हूं, अगर मुझे दो ट्रेड मेरे SL हुए तो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए लोग नहीं बताते हैं, लोग सिर्फ प्रॉफिट दिखाते हैं, बट सब कुछ दिखाना चाहिए। अब देखिए अब हम बात करेंगे तीसरे ट्रेड का। अब हमने तीसरे ट्रेड के पीछे हमारे क्या लॉजिक था, देखिए तीसरे ट्रेड के पीछे हमारा लॉजिक ये था। अब ये देखिए मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली है, ठीक है, अब मैंने ट्रेंड लाइन भी यहां पर ड्रॉ कर ली है, और उसके बाद अगर हम यहां पर देखेंगे तो यहां पर मार्केट थोड़ी सी गैप अप ओपनिंग हुई थी, और फाइनली देखिए इस लेवल पर आकर मार्केट ने जो है गैप फिल कर दिया था। मैं अब ये लेवल डिलीट करता हूं। अब देखिए हम इसकी बात कर रहे हैं तीसरे ट्रेड के लिए। तो यहां पर मैंने आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में कंटिन्यू, देखिए टेलीग्राम चैनल में मैं आप लोगों को कंटिन्यू चार्ट पोस्ट करते रहता हूं, वहां पर बताते रहता हूं कि अभी यहां पर ये जैसे मान लीजिए ये सपोर्ट अभी यहां पर बन रहा है और यहां पर इस टाइम मार्केट काम कर रही है, तो मैं आपको उस टाइम ये चार्ट इस तरह का पोस्ट कर दूंगा कि यहां पर देखिए मार्केट जो है अभी अपने सपोर्ट लेवल के आसपास है और यहां से बाउंस बैक हो सकती है। और मैंने आपको ये चार्ट इस तरह का मैंने चार्ट पोस्ट भी किया था। मैंने आज देखिए मैं कंटिन्यू आप लोगों को आधे आधे घंटे एक एक घंटे पे जहां पर भी कोई अपडेट होती है वहां पर मैं टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को चार्ट पोस्ट करते रहता हूं। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसको 2 दिन रखिए, 4 दिन रखिए, 10 दिन रखिए, देखिए अगर आपको अच्छा लगता है, सूट करता है, आपके लायक है तो बने रहिए, अगर आपके लायक नहीं है तो आप क्विट कर दीजिएगा। बट एक बार जरूर जाइए देखिए, वहां देखिए जो चार्ट है हमारे, वहां से आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखने में बहुत मदद मिलेगी। अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना नहीं आता है तो उन चार्ट को देखकर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस करना सीख सकते हैं, आप वहां से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना सीख सकते हैं। मींस कहने का मतलब आपको सारी चीजें वहां पर मिलने वाली है जो एक ऑप्शन ट्रेडर को चाहिए। तो अब देखिए अब यहां पर जो मैंने चार्ट आपको पोस्ट किया था, तो इस ट्रेड में भी हमको देखिए मैंने आपको बताया था कि यहां से जो है बाउंस बैक कर सकता है, और फाइनली देखिए यहां से जो इसका जो लो लगा था वो 30,535 का और जो हाई लगा 30,744 का। तो हम कह सकते हैं देखिए यहाँ 200 पॉइंट्स की मूव हमको यहाँ पर मिल गई। सो हमने यहाँ पर 125 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर मूव जो है कैप्चर की थी। अब देखिए ये तो था मेरा थर्ड ट्रेड। देखिए जो मैं लॉजिक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ यहाँ पर यूट्यूब की वीडियो में, ये लॉजिक आपको कोई बताएगा नहीं, कोई अपनी वीडियो में अपनी लॉजिक नहीं बताता है। सो मैं अपने ट्रेड में सारे आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। तो अब देखिए अब जो चौथा ट्रेड जो मैंने आपको दिया था, और ये बहुत जबरदस्त ट्रेड मैंने आपको दिया था। अब देखिए जो ट्रेड मैं आपको देता हूं अक्सर देखिए अगर उसमें 2 एरो होंगे, मतलब एक एरो ऊपर होगा एक एरो नीचे होगा, तो वो एरो इस तरह से होते हैं। मान लीजिए अभी ये इस तरह से काम कर रहा है, एक चैनल में काम कर रहा है, तो मैं आपको एक एरो ऊपर बना के दूंगा, एक एरो नीचे बना के दूंगा। कहने का मतलब ये है कि अगर ऊपर का ये लेवल ब्रेक करेगा, ऊपर का ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा तो हम बायर बनने वाले हैं, और नीचे का ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा तो हम सेलर बनने वाले हैं। बट मैंने जो आपको चार्ट पोस्ट किया था वो मैंने इस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था, और नीचे का मैंने आपको एक एरो बना के दिया था, और मैंने आपको यहां बताया था कि मतलब ये जैसे ही लेवल ब्रेक होता है हम यहां पर जो है सेलिंग करने वाले हैं। तो फाइनली हमने यहां पर जो है 30,690 के लेवल पर हमने जो है सेल करा था, और ये देखिए मार्केट कहां पे आया, 30,327 के आसपास। मींस 300 से 400 पॉइंट्स की मूव यहां पर हमको कैप्चर करने को मिली थी, और ये बहुत ही जबरदस्त मूव थी। तो देखिए वो जो सिंगल एरो होता है वो हमारा कंफर्मेशन बिल्कुल ट्रेड होता है, क्योंकि उसमें डाटा एनालिसिस भी हमारी की हुई होती है, वो डाटा से उठाया हुआ डेटा होता है, वो डेटा को हम चेक करके हम देखते हैं कि मतलब मार्केट का सेंटिमेंट क्या है, मार्केट में ऑप्शन राइटिंग ज्यादा हो रही है, ऑप्शन बाइंग ज्यादा हो रही है, तो उन सब के बिहाफ पर मैं जो है आपको सिंगल एरो वाले ट्रेड देता हूं।
तो अब देखिए, उसके बाद मैंने आपको लास्ट में चार्ट पोस्ट किया था। उस चार्ट में देखिए क्या था, जब मार्केट यहां पर कंटिन्यू क्रैश हो रही थी। अब मैं आपको यहां पर 15 मिनट का चार्ट लगाऊंगा और एक बहुत लॉजिकली चीज मैं आपको देखिए बताने जा रहा हूं, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा, वीडियो स्किप करके मत देखा करिए, वीडियो को पूरा देखा करिए, ध्यान से देखा करिए। मैं आपके बहुत नॉलेज वाली चीजें यहां पर बताता हूं, ठीक है? अब देखिए, जब यहां पर मार्केट कंटिन्यू क्रैश हो रही थी, नीचे की तरफ गिर रही थी, तो मैंने वहां पर आप लोगों के लिए एक चार्ट मैंने पोस्ट किया, और वो चार्ट में मैंने इस तरह से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, और वो 15 मिनट का चार्ट था। और मैंने आपको वहां पर बताया था कि देखिए, जो हायर टाइम फ्रेम है, वो हायर टाइम फ्रेम में यहां पर एक ट्रेंड लाइन है, और यहां पर ये ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के आसपास है बैंक निफ्टी। सो यहां पर जो भी सेलर है वो अलर्ट हो जाएं या फिर अपनी पोजीशन बुक कर लें। सो मैंने ये चार्ट मैंने इस तरह का मैंने आपको पोस्ट किया था, और देखिए मैंने आपको वहां पर मेंशन भी किया था कि यहां से देखिए बाउंस बैक हो सकता है, बैंक निफ्टी यहां से बाउंस बैक कर सकता है। और फाइनली देखिए, यहां से बैंक निफ्टी ने जो बाउंस बैक किया वो 337 पॉइंट्स का बाउंस बैक किया। देखिए 337 पॉइंट, ये कोई छोटी मोटी मूव नहीं होती, ये एक बहुत बड़ी मूव होती है 337 पॉइंट्स, और वो भी वन साइडेड मूव थी, बहुत अच्छी मूव थी। तो फाइनली मेरे कहने का मतलब ये है कि देखिए, अगर आप चीजों को अच्छे से करते हैं, अच्छे से समझते हैं, आपको टेक्निकल एनालिसिस अच्छे से आता है, आपको लेवल ड्रॉ करना अच्छे से आता है, तो आप देखिए यहां से बिल्कुल पैसा बना के जाने वाले हैं। अगर आपको एक्यूरेट लेवल ड्रॉ करने नहीं आते हैं, मीन्स अगर मान लीजिए आपने कोई सपोर्ट ड्रॉ किया, कोई रेजिस्टेंस ड्रॉ किया और आपका वो सही नहीं है, तो आपकी वहां पर ऑब्वियसली है कि आप वहां पर एंट्री भी गलत लेंगे। अगर आपका लेवल गलत है तो आप वहां पर एंट्री भी गलत लेने वाले हैं। सो इन सब चीजों को ध्यान से सीख कर कराया करिए, हमारे टेलीग्राम चैनल में जाइए, वहां पर आपको बहुत चीजें सीखने को मिल जाएंगी। तो चलिए बात करते हैं हम कल के ट्रेड के लिए, कि हम जो है मंडे के सेशन में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। अब हमारे लिए जो लेवल इंपॉर्टेंट है वो ये लेवल है 30,200 के आसपास, 30,230, ठीक है? तो अब मैं इसको यहां से डिलीट करूंगा, और आपको हम जो है हम मंडे के ट्रेड की चर्चा करेंगे कि मंडे के ट्रेड में हमारा ट्रेडिंग प्लान कैसा होना चाहिए। तो ये देखिए, एक 15 मिनट का जो हमने चार्ट लगाया हुआ है, वहां से देखिए एक ट्रेंड लाइन हमने नीचे से ड्रॉ करके रखी हुई है, और देखिए अगर आप यहां से ध्यान से देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन हमको यहां पर ऊपर से मिल रही है, ठीक है? तो ये दो ट्रेंड लाइन अब हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होंगे मंडे के ट्रेडिंग सेशन में। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, मैं आपको तीन सिनेरियो बताऊंगा, यहां पर एक फ्लैट ओपनिंग बताऊंगा, गैप अप बताऊंगा और गैप डाउन बताऊंगा। तो यहां पर ध्यान से सुनिएगा, अब मान लीजिए यहां पर 30,600 की क्लोजिंग आई है, और यहां पर मार्केट ओपन होती है 30,670 80 90 के आसपास ओपन होती है, तो यहां पर आपने सस्टेन होने देना है। यहां पर सस्टेन होने के बाद जब ये लेवल ब्रेक करे, जब ये 30,650 का लेवल ब्रेक करे, तो आप यहां पर 30,800 के लिए जा सकते हैं। देखिए अब यहां पर क्या करना है आपको, क्योंकि मार्केट का सेंटिमेंट चेंज हो चुका है। जैसे हम पहले बाइंग के ट्रेड लेते थे और उसको हम काफी देर तक होल्ड करके रखते थे, और जो सेल के ट्रेड लेते थे उसमें हम 30-40 पॉइंट बुक करके हम निकल जाते थे। सो अब क्या करना है, अब हमको सेलिंग के ट्रेड को ज्यादा प्रेफर करना है रेदर देन बाइंग, ठीक है? तो हमको सेलिंग के ट्रेड को अब हमने होल्ड करना है, और बाइंग के ट्रेड को हमने जो है छोटे छोटे प्रॉफिट लेकर वहां से निकलना है, क्योंकि अब जो बाइंग जो होगी वो सिर्फ करेक्शन में होगी। अगर मार्केट नीचे गिरती है, जैसे मान लीजिए ये मार्केट नीचे की तरफ गिर रही है, तो ऊपर की तरफ देखिए ये जो ग्रीन कैंडल बन रही सिर्फ करेक्शन है, फिर मार्केट नीचे की तरफ गिरी और ऊपर की तरफ जो गया ये सिर्फ एक करेक्शन है। सो ये जो करेक्शन होता है, इस करेक्शन में हमको छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करने होते हैं, और जो मेन ट्रेंड होता है उसमें हमने बड़े प्रॉफिट बुक करने होते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा। तो ये मैंने आपको बता दिया फ्लैट ओपनिंग की, यहां से अगर फ्लैट ओपन होता है तो यहां से कुछ सस्टेन होने के बाद ऊपर की तरफ जाता है, तो आप यहां से जो है बाइंग कर सकते हैं। और अगर ये लेवल नीचे की तरफ ब्रेक करता है, तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद आप जो है देखिए, यहां से मान लीजिए मार्केट ओपन हो गया, ओपन होने के बाद ऊपर गया, तो आप ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद बायर बन जाइए। ये मान लीजिए अब यहां पर ओपन हुआ, यहां से ओपन होने के बाद ये नीचे की तरफ आने के बाद अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है, तो आप सेलर बन जाइए। यहां सेलर आपका टारगेट होने वाला है 30,250 के आसपास, ठीक है? तो यहां आप जो है सेलर कहां पर बनेंगे, मैं आपको लेवल बता देता हूं, आप जो है 30,450 के आसपास सेलर बनेंगे, और यहां पर हमारा 30,250 के आसपास जो है हमारी प्रॉफिट बुक होगा। देखिए वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, मैंने क्योंकि पीछे मैंने आपको अपने सारे ट्रेड के लॉजिक बताए हैं, सो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, वीडियो लंबी हो रही है आप लोगों के लिए बना रहा हूं, तो थोड़ी मेहनत लगती है, थोड़ा लाइक शेयर भी कर दिया करिए। तो अब देखिए यहां पर क्या है, अब यहां पर मान लीजिए मार्केट यहां पर गैप अप ओपन हो जाता है, तो ये हमारा जो है ये हमारा सेल पॉइंट है। अब यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर फर्स्ट टॉप है, यहां पर सेकंड टॉप है, और यहां पर थर्ड टॉप है। मींस कहने का मतलब, अगर यहां पर इस लेवल के आसपास आपको मिलता है, 30,800 के आसपास मिलता है, तो ये हमारा ट्रिपल बॉटम पैटर्न, ट्रिपल टॉप पैटर्न बनेगा। तो यहां पर ट्रिपल टॉप पैटर्न बनने के बाद आप यहां पर कैंडल कंफर्मेशन के बाद आप यहां पर सेल कर सकते हैं। हमारा जो पहला टारगेट होगा वो पहला टारगेट 30,660 का होगा,
दूसरा टारगेट 30,532 का होगा। और फाइनली देखिए हम इस सपोर्ट तक आ सकते हैं जो हमारा 30,250 का लेवल है। ये तो थी गैप अप की बात। अब हम बात करेंगे गैप डाउन की। मान लीजिए मार्केट यहां से गैप डाउन कोई न्यूज आ जाती है या फिर जो सेंटिमेंट चल रहा है डाटा के हिसाब से, मान लीजिए यहां पर गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है और गैप डाउन होने के बाद आपको देखिए मैं बाइंग के दो लेवल बता देता हूं। एक तो अब मान लीजिए मार्केट आपको यहां पर मिलती है, मान लीजिए गैप अप ओपन होती है तो यहां से भी बाउंस बैक हो सकता है। अदरवाइज यहां से तो देखिए बिल्कुल यहां से बाउंस बैक तो होना ही होना है अगर मान लीजिए मार्केट आपको यहां मिलती है। अब देखिए जो मैं चीज आपको बताऊंगा ध्यान सुनिएगा। अब जैसा आप यहां पर देख रहे हैं फर्स्ट टॉप सेकंड टॉप यहां पर थर्ड, यहां पर जो है थर्ड टॉप बनेगा, तो थ्री टॉप बनने के बाद हम यहां पर सेल करेंगे। उसी तरह आप नीचे ध्यान दीजिए, यहां पर देखिए फर्स्ट बॉटम बना हुआ है, यहां सेकंड बॉटम बना हुआ है, यहां थर्ड बॉटम बनेगा और यहां जब थर्ड बॉटम बनेगा तो वहां से बाइंग आ सकती है। सो इस चीज को ध्यान में रखकर ट्रेड करिएगा। मैंने आपको प्रॉपर बहुत अच्छे तरीके से लॉजिक मैंने बता दिया है, अपना ट्रेडिंग प्लान बता दिया है, सो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब चलिए अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी में जो स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उनके बारे में कि बैंक निफ्टी जो आज एक्सिस बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, इन सब स्टॉक्स ने जो है किस तरह से जो है परफॉर्म किया। तो मैं यहां पर बैंक निफ्टी बैंक का मैं ओपन कर लेता हूं यहां पर। चलिए अब यहां पर देखिए एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक देखिए जैसे कल मैंने आपको बताया था कि यहां पर एक डबल टॉप पैटर्न बनता हुआ दिख रहा था और फाइनली उसके बाद एक डोजी कंफर्मेशन आ गई थी। तो मैंने आपको यहां पर बताया था कि 640 के ऊपर ही आपको बाय करना है, अदरवाइज इसको बाय नहीं करना है, बिकॉज यहां पर अगर डबल टॉप पैटर्न एक्टिव हो गया तो ये नीचे की तरफ आ सकता है। फाइनली ये नीचे की तरफ आ गया। अब हमने यहां पर ट्रेड कब करना है, 640 की क्लोजिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 640 के ऊपर जाएगा तभी हमने बाइंग करना है और जो नीचे की रेंज है वो 590, अगर ये 590 का लेवल ब्रेक करता है तो हम यहां पर सेल साइड में जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा बंधन बैंक। तो बंधन बैंक देखिए कल मैंने यहां पर आपको बताया था, ये देखिए ये जो लेवल है ये लेवल मैंने आपको इस तरह से ड्रॉ करके बताया था कि 416 रुपए के ऊपर आप यहां पर जो है बाइंग करिए। तो फाइनली देखिए 425 और 430 का टारगेट दिया था, आज इसने 430 का जो है हाई लगा दिया और 430 का देखिए हाई लगाने के बाद देखिए इसमें थोड़ी सी यहाँ ऊपर से आप देखिए सेलिंग आ गया था। अब यहां पर जो है देखिए मंडे के सेशन में हमको किस तरह ट्रेड करना है, 425 के ऊपर निकलता है तो यहां पर 430 रुपये और 435 के लिए ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एचडीएफसी बैंक। अब देखिए एचडीएफसी बैंक देखिए कंटिन्यू देखिए 1350 नीचे और जो है 1450 ऊपर, अभी 100 रुपए के रेंज के ऊपर नीचे ही घूम रहा है। मीन्स कहने का मतलब इसने एक रेंज बना ली हुई है। देखिए मैं यही लेवल आप लोगों को मैं कंटिन्यू 15 दिनों से बता रहा हूं तो मेरे को तो लेवल याद रहते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग को भी अगर लेवल याद रहने लग जाएंगे तो यहां पर जो है आप लोगों के लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। तो अब यहां पर देखिए हमने किस अब ट्रेड करना है। अब ये जो ट्रेंड लाइन आ रहा है जब तक इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं होता तब तक हम जो है बाइंग साइड नहीं जाएंगे। अदरवाइज मैं आपको लेवल बता देता हूं 1410 रुपए के ऊपर जैसे ये निकलता है, देखिए यहां से जब ब्रेक होगा तभी 1410 रुपए आएगा और 1410 रुपए के ऊपर जैसे निकलता है सस्टेन करने लग गया तो आप यहां पर एंट्री बना सकते हैं। हमारा यहाँ पे टारगेट 1440 का होने वाला है। और फाइनली देखिए अगर हम यहां पर 1350 का लेवल ब्रेक करते हैं तो हम यहां पर देखिए जो आ सकते हैं वो 1250 और जो है 1150 पे आ सकते हैं। तो नीचे 100 और 200 पॉइंट्स की जो है नीचे में डाउनफॉल देख रहा हूं अगर ये 1350 का लेवल ब्रेक करता है। नेक्स्ट है हमारा आईसीआईसीआई बैंक। तो आईसीआईसीआई बैंक भी देखिए कितना यहां पर देखिए कंटिन्यू एक जबरदस्त पैटर्न यहां पर बनाए हुए हैं। ये चार आज ये 5 दिन हो गया, ये जो है आप देखिए 516 और 517 यही कंटिन्यू हाई टच कर रहा है, उसके नीचे आ जा रहा है। तो 516 और 517 के ऊपर एक क्लोजिंग आने दीजिए कैंडल की, यहां पर मेरे हिसाब से बहुत जबरदस्त जो है ब्रेकआउट होने वाला है आईसीआईसीआई बैंक में। तो इसको जो है रडार पर रखिएगा, 517 के ऊपर इसमें जो है आप यहां पर इंट्राडे में बाइंग बना सकते हैं। 524 और 530 यहां पर हमारा जो है टारगेट होने वाला है इंट्राडे के लिए। नेक्स्ट है हमारा इंडसइंड बैंक। तो इंडसइंड बैंक देखिए अब मैं यहां पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा और ये ट्रेंड लाइन देखिए, अब हम जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है तब तक हम बुलिश हैं। जब हम इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देंगे तो हमारा यहां पर टारगेट जो है 840 का है। इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हैं या फिर हम 900 के नीचे की क्लोजिंग, अगर हम इंट्राडे में 900 के नीचे क्लोज होते हैं उसके बाद कोई 5 मिनट की कैंडल, मान लीजिए किसी भी 5 मिनट की कैंडल अगर आपको 900 के नीचे की क्लोजिंग दिखती है तो आप वहां पर सेल कर सकते हैं। और यहां पर हमारा 1 या 2 दिन में टारगेट मैं यहां पर 840 का एक्सपेक्ट कर रहा हूं और ये शायद हमको 1 या 2 दिन में देखने को मिल जाए। अब देखिए बैंकिंग स्टॉक्स में मेरे को सबसे जबरदस्त जो स्टॉक लग रहा है वो लग रहा है मेरे को कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक में बहुत जबरदस्त पैटर्न बना हुआ है। मैं यहां से अगर आपको ये ट्रेंड लाइन इस तरह से मैं ड्रॉ करके दिखा दूं तो यहां पर आप देखिएगा ये एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है और ये फ्लैग पैटर्न जो है मेरे को लग रहा है कि ये ऊपर की तरफ का ही ब्रेकआउट करेगा। फाइनली मैं जो है मैं इसको जो है कल मैं इसका डाटा भी एनालिसिस करूंगा, उसके बाद मैं आपको कन्फर्म कल बताऊंगा। कुछ पोजिशनल के स्टॉक्स भी मैं आप लोगों को कल मैं शेयर करूंगा अपने टेलीग्राम चैनल में। सो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि वहां पर मैं वीकेंड पे पोजिशनल के शेयर में शेयर करता हूं और आप लोगों को बताता हूं कि मतलब अब वहां कहां से ब्रेकआउट होने वाला और कहां से आप एंट्री ले सकते हैं।
तो ये देखिए, अब इसमें जो है एक बार 1950 के ऊपर की क्लोजिंग आने दीजिए, क्योंकि यहां पर देखिए एक रेंज में ये काम कर रहा है। नीचे का जो लेवल है वो 1800 का है और ऊपर का जो है 1950 का है, तो 150 की रेंज के अंदर काम कर रहा है। और मे बी मेरे हिसाब से ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करना चाहिए रेदर देन नीचे की तरफ जाने से, ठीक है। ऊपर की तरफ एक बार इसको 1950 के ऊपर क्लोज होने दीजिए, यहां पर एक बहुत जबरदस्त मूव हमको देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट है पंजाब नेशनल बैंक। तो ये देखिए पंजाब नेशनल बैंक, देखिए मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश करूंगा यहां पर। ये देखिए एक रेजिस्टेंस लेवल था और यहां पर एक जो ग्रीन कैंडल ये जो बनी हुई है इसने ब्रेकआउट दिया था। मैंने उस टाइम आपको वीडियो में बताया था, देखिए अभी आप यहां पर एंट्री मत लीजिए, बिकॉज यहां से जो है देखिए रीटेस्ट करने के लिए आ सकता है। और कल की वीडियो मैंने आपको बताया था कि अगर इसको बाउंस बैक होना है तो ये परफेक्ट जगह है बाउंस बैक होने के लिए। अदरवाइज अगर ये कल का डे लो ब्रेक करता है तो यहां पर इसको हम इसको एक फेक ब्रेकआउट समझेंगे और ये नीचे की तरफ आ सकता है। फाइनली देखिए इसने जो है आज सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेने के बाद देखिए आज इसने जो हाई लगाया वो 41.45 रुपए का लगाया है। अब जो मंडे की ट्रेडिंग, मंडे को अगर आप इसको ट्रेड करना चाहते हैं तो आप इसको 41 रुपए के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। 42 रुपए और 43 रुपए आपका यहाँ पर टारगेट होगा। नेक्स्ट है हमारा आरबीएल बैंक। तो आरबीएल बैंक भी सेम जो है देखिए इंडसइंड बैंक को ही फॉलो कर रहा है। ये जो ट्रेंड लाइन जैसे इंडसइंड बैंक में बन रही थी सेम इसमें बन रही है। तो यहां पर हम देखिए जब तक 230 के ऊपर है तब तक हम यहां पर बुलिश है। 230 का लेवल इसके लिए सपोर्ट का काम कर रहा है और 230 के नीचे जैसे ही निकलेगा हम यहां पर सेलर बन जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देखिए कंटिन्यू 4 दिन की अप मूव के बाद इसने जो एक छोटी सी यहां पर प्रॉफिट बुकिंग आई थी। अब यहां पर देखिए मैं आप लोगों को इस तरह से एक रेंज में आपको लोगों को ड्रॉ करके दिखाऊंगा। ये देखिए हमने यहां पर अब ये रेंज ड्रॉ कर ली है। अब ये जो ऊपर की रेंज है वो ऊपर की रेंज है देखिए 275 रुपए, नीचे की रेंज है 265 रुपए। तो ये 10 रुपए की रेंज में देखिए घूम रहा है। अब ये जिस तरफ ब्रेक करेगा हम उस तरफ हो लेंगे। अब यहां पर एक ट्रेंड लाइन भी देखिए, ये ट्रेंड लाइन भी है। अब मान लीजिए 265 का लेवल ब्रेक करता है और ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक कर देता है तब हम यहां पर श्योर शॉट हो जाएंगे सेल साइड के लिए। अदरवाइज अगर ये 275 के ऊपर ही क्लोजिंग देता है तो हम यहां पर बाइंग के लिए जाएंगे। देखिए टेक्निकल एनालिसिस यहां पर देखिए अगर आप जानते हैं तो आपको देखिए उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। आप उसको कंटिन्यू प्रैक्टिस करिए, वीकेंड पर जब भी आपके पास टाइम होता है वो उसकी प्रैक्टिस करिए, 1 घंटे 2 घंटे डेली प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस करने से चीजें आसान हो जाएंगी और आप चीजों को बहुत आसानी से ट्रेड कर सकेंगे। चलिए अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद।